इन्हें बताओ कि हम 5 साल शादी नहीं करें, लोग जो सोच रहे हैं कि शादी है मेरी नवंबर में करेंगे। शादी होगी ऐसा कुछ नहीं, मेरी अभी शादी 4-5 साल तक नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं एक बार बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइज, तो गाइज आज मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ। ओफो, मेकअप मेरा एकदम लाइट नहीं आ रही मेरी, आसमान जी दिक्कत जी है। दीदी यहाँ जा रहे, दीदी की एनिवर्सरी है, अच्छा कर वैसे जाने कोई प्लान नहीं था 1% भी, ना ही मेरा मन भी था बिल्कुल मैं जाऊँ, लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि दीदी जी जमा फुला रहे को जा कमा रहे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बताना कैसे लग रही हो। ओके, और अब अलाक भाई आए हैं तो अब अलाक भाई से मिलवाती हूँ, ठीक है? आओ, जब अलाक भाई आए हैं मेरे चिज्जी लेके आए थे। हमारे तो जिन्हें ले भी कहा जाऊँ जा रहे हैं, छोड़े कहा जाने चोरा है। हाँ, मन से हमने कट जाएँ अपने घर को। अच्छा, तो इनको मैं भैया मुझे चोरा था छोड़ेंगे, फिर चलते हैं, ठीक है? कल लो अलग हम घूर जाए। नाम भूल आ गया भाई। हाँ, ये मेरे पहले से पता है कि नहीं? क्यों ना, ये कहाँ रह गए? जी मेरी मम्मी। टाटा बाय। तो गाइस चलते हैं। ओके, वी आर रेडी टू गो। पहली बार 2-3 लड़कियां अकेली जाएंगी। बाय रोशनी। मेरा लग इतना अच्छा है कि अबलाग भाई आ गए टाइम पे। ना इधर जो करी तो ये लेट आ गए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये कहा तुम्हारे चक्कर हम रुके थे, ठीक है ना? हम रुकते नहीं, फिर चले जाते हैं। सालू, बाकी बात तुम जिन्हें फोन लगा रही थी ना, कह रही थी तुम अभी आई ना पाए। सलवा, हाँ तो हमारे ऊपर कह रहे करी तुम बांधे बात। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? लेकिन भैया तुम्हारी किसी बात कर, तुम्हारे चक्कर हम बता रहे हैं, लेट आया। अच्छा, हमारे चक्कर में हम तो खटपुरी आए थे, तो फोन लगाओ तो सुबह तो तुझे तो नहीं पता थी हम आएंगे। पता नहीं कल का सुबह नहीं मालूम है, सुबह बात हुई थी हम नहीं मिलेंगे, मम्मी अकेली मिलेंगे। हाँ तो मैंने फोन मारे भैया महंगे तो आज देखो लड़ाई में लड़वे हम कितने तेज है, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत तेज है। तो गाइस अब लाख भाई ने मुझे दिलवाया है बादाम शेक, आपने तो कोई प्यार ही होगा है ना? सलवा देखो कुल भी चाटे लगी। तो गाइस दीदी का वेट, और दीदी आ जाती वैसे मिलते हैं। ओके, ये ब्लॉग इस बात का सबूत है कि आपने मुझे गाली दी है। गाली नहीं थी, हमें लगी तुमने गाली दी। रे कैसे नहीं बिना गाली दे, कैमरे के पीछे दी। देखो अब लाग भाई ने बोल दिया, अब तो इतना लेट क्यों मैडम जी? अब सन्ना मैम से मिलो लाके पहले, फिर बात करो। देखो गाड़ी सरप्राइज। चलो अब तो दीदी वंकू को ले लो यार। दीदी की नमाज से पहुंच चुके हैं जी, माँ जीजा घर है। आज तुम्हारे आने से बिजली कड़क रही है। आई गई हूँ मैं कैसे भी करके, भैया 5 बजे से लो। सलवा कैसी लग रही हो तुम? तुम मेकअप करके नहीं आई थी तभी, समझ रही हूँ। डोंट स्विंग माई पैर, मोड़ा दे, देख कितनी आराम है।
ऐसे बच्चा पैदा करूंगी मैं, समझ में, बच्चा बिना मम्मी खेलते रहे, ठीक है, मौसी वौसी ले जाए। तो गाइस बहुत से लोग मतलब ये संकेत में इससे पहली बार व्लॉग में मैंने बोल दिया था कि अब मेरी शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरी अभी शादी 4-5 साल तक नहीं होगी। हाँ मेरे फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो, दीदी जी किसे पूछ सकते हो, मेरी अभी 4-5 साल शादी नहीं होगी। आप लोग परेशान मत हो कि मैं शादी करूँगा दीदी। सही बात है, अभी नहीं हो रही शादी। हाँ तो अभी नहीं हो रही है, परेशान मत हो, जितने वो आ सके आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल मैं अभी कुआरी हूँ, ठीक है। ठीक है जी गस। तो गाइज दुनिया खाने से सकती है, सालों नहीं बोलती, मटाली वालू खाए के रह जाए दीदी, कल से खा रही मोड़ी। गाइज यहाँ दीदी मेरी रेडी हो रही है, सब लोग इनको एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दें, है ना, सबको थैंक यू बोलो दीदी। जब आप मैंने आई थी ना तब देखो दीदी कैसे चेहरा हो गया था, है खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, ये बैठी दीदी, इन्हें तो आप जानते होंगे काम नहीं, मैं नहीं होता बाद मत कहना कि पूछा नहीं। तो गाइस खाने में चावल, सूखी सब्जी और ये किस सब्जी पनीर की, पनीर सब्जी पूड़ी, ये सारा खाना मेरी दीदी ने बनाया है, ये रायता, ठीक है। और एक बात और, मेरी दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो ऐसे खाना चल रहा है हमारे, कुछ दिख रहा है क्या, देखो फिर भी हम गाड़ी से आए, फिर भी गाड़ी से आए मंगल जी, यहाँ का इस मटा के आलू नहीं है, लेकिन है और येलो ड्रेस भी पहने, खाना बहुत अच्छा था, ओह तारीफ, मैं आप तारीफ पे रही, ऑलरेडी तो एक कच चुके बहुत ज्यादा, इतने कद्दे ऑर्डर समझ गए, खाना तो अच्छी बनाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा, चलो अच्छा, मैंने कहा था ना शादी से पहले, एक महीने पहले तुम्हें ट्रेनिंग लूंगी, लेनो पर अच्छा खाना बना दी, लेकिन दीदी मठा के आलू नहीं आते, ओके मठा के आलू फैल गए। तो गाइस इधर हैप्पी बर्थडे नहीं है यहाँ, तो गाइस यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है, भाई साहब जेरे दुल्हन मेरे दूल्हा, जेरे दुल्हन मेरे दूल्हा, जीजा को जरूर करनी चाहिए, पहले फोटो ये बहनों का प्यार है। कम खाइयो ना, पता चले रास्ता में सिस्टम बगड़ जाए, ठीक है, तुम डरे तो होंगे, एक किलो जाके मार कह रहे हैं कल्ला, देखो बदनाम को करते नहीं आएंगे, एक क्या सीन है आपका, तुम्हारे तोते उड़े हुए लग रहे हैं कुछ। तो गाइस जी जो मेरे रात में एक बजे कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, देखो साली की डिमांड में ऐसे जीजा सब दें,
ऐसे दीदी जी जहाँ है पार्टी चल रही है, यहाँ पे ये अपने औलाद को सुला रही है, देखो ये औलाद वाली है मेरी सलवा, देखो सलवा। तो गाइस हम फेंटा पी रहे, तुम तो जानते हो फेंटा ओत का है। गाइस हम फेंटा पी रहे, आप तो जानते ही लोगे फेंटा क्या है, नहीं जानते तो पीने का भी है। हां ये से मतलब दादी को मालूम पर अच्छा सॉरी मुझे तो जीजा आओ वहां में कहा है हैं बेटी दीदी। तो गाइस क्या कर रहे हैं यार, इनके यार लाइट नहीं आ रही, बहुत हड़ गई थी बता रहे, बहुत गलत फंसे हैं मेरे आके, पहले कम किया है लाइट, मैंने माला बच्चे संजन आ रही जाकर मारा, मैं तो काम दे दी पीवे में लगी मैं तो बैठ रही थी कोई ठंडी चीज मिले कट कट कट। तो गाइस इधर रात के बज चुके हैं, भाई साहब मोबाइल नहीं चला, ये भैया 2:23 मतलब कि ढाई और दीदी के लाइट नहीं आ रही, समस्या जेगा इतना अच्छा है सब कुछ ठीक है, आज आंधी तूफान आया इस वजह से लाइट नहीं आ रही, तो भैया हम पंखे में सोने जा रहे हैं, और जी सालू मैडम फटा के आलू मेकअप ये बता रहे कहाँ बताएं कुछ कह रहे, मैं तो मेकअप पहले ही छुड़ा लिया था क्योंकि मुझे मैं नहीं रह पाती भैया मेकअप वेकअप में, इसलिए चले चलो। हेलो बैठा गया आलू, गुड मॉर्निंग, ऊपर देख लो फिर बता रहे सलवा। गाइस 7 हैं, लड़के उठने का नाम निकाल चल रहे हैं चल रहे हैं, इस मठा के आलू जो है जग चुकी है देख सकते हैं आप लोग, बड़ी मुश्किल से जगी हैं, ये जो मत इन्हें मेरी दीदी बैठी है, इन्हें मेरी जीजा बैठे हैं स्वीट से, मतलब चांदी लुढ़क रही काम दीदी उठो मेरे को नाम नहीं ले रही जी, मोड़ा मोड़ी बहुत बेकार हो जी जान गए, और जे वो कब रहेंगे भैया रात कंकंग की बात है, चुप है यार चुप है, जे नहीं चुप हो 3 हमने जी, मैं क्या सोच रही थी 3 लेट है, मैं 4 ली होंगी आराम से, मैं सोच रही यार कब तो जा तुरंत सो जाएंगे, ये दीदी तुमने कंपनी नहीं दी सही है, मैं ये पर्सनल बात है बच्चा कैसे हुआ देखो ये तुम कब कर रहे हैं बताया दे तो कर लगा गाइस इधर मेरी दीदी चाय बना रही है, चाय डेली की ड्यूटी है, भैया जी बासन का हो है ये ससुराल होती है दीदी, और जब भी कोई सिस्टम पैसा नहीं रखता हूँ सब खाने का। तो गाइस इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ, 8 मैं जा रही हूँ घर पे, कह के जो लोग बहुत लेट कर रहे हैं, सलवा तो ठीक काम दी मेरी, तो गाइस चलते हैं जी, मैडम बहुत ढीली है, बहुत मैं ढीली नहीं हूँ, हाँ ढीली हूँ, रहन दो ठीक है, घंटा में उठी है ठीक है, तो रानी मैम चलते हैं टाटा बाय बाय, सालू आ मन नहीं आ रहा का तो ढीलो ढीलो काम है, देखे चलो आपको दीदी तो कह रही टच जाओ जल्दी जल्दी, मेरे चक्कर में कहा कल देखो इसीलिए हम जल्दी आए नहीं, तुम रहन दो, तुमने मुझसे क्या कहा था, मैं कहा दीदी सुबह जल्दी आई, कोई बात नहीं संजू उठ रहा है नाश्ता करना आना है बोला था, ये तो बोला था कल जल्दी है नहीं आगे उसके हेल्प भी नहीं करा पाई, हाँ तो लौड़ा करा दे हेल्प चले फिर चलो घर चलते अपने, नहीं तुम्हें जाओ मन नहीं है तो मन ना तो तब से मैं कह रही हूँ उठ जाओ उठ काम करवा दे, तो उठ के काम ही करवा लेने का, जल्दी तो खाओ कि नल्ली ना सकी, हम लोग आए थे गाड़ी में जा रहे बस गाड़ी मोड़ को लोग देखते हैं, मेरी दीदी कह रही है जिंदगी बहुत बिजी है सच में बिजी है, क्या करो समझ सको संगे रात सको जान सुबह आपसे तो
गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, तो दीदी को छोड़ दिया चौराहे पे, तो वहाँ से आएंगे अपने ससुराल। गाइस समस्या ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके हम पहुंच चुके हैं अपने निवास पे गाइस, नहीं गाइस हम पहुंच चुके हैं गाइस, कैसे हैं अच्छा। हम बहुत सुनसान एरिया में रहते हैं यहाँ, आपको आपको कुत्ता भी नहीं मिला। हम लोग मिले हैं बस कुत्ता नहीं मिले हैं यहाँ, मतलब कि 9 बजे के बाद सुनसान हो जाती है। ओके हमारा बोर्ड, ये रहा आगे वाला सालू घर, ये रहा हमारा घर। ओके चुमी चुमी बाय बाय बाय। तो मैं चली गई, तुमको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, मेरी शादी हो जाएगी। इन्हें बताओ कि हम 5 साल शादी नहीं कर रहे, लोग जो सोच रहे हैं कि शादी है मेरी नवंबर में करेंगे। तो पोल पट्टी खोल देंगे, मेरी समझ में आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैंने आपको बताया था 5 साल शादी नहीं कर रहे, तो अभी मेरी ऑडियंस को भटकाए कह रही। तुम सही कह रहे हैं, नवंबर नहीं दिसंबर में करेंगे। देख रहे ऐसा कुछ नहीं है, रिसीव करेंगे 24 में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी में आप, मम्मी तो मजाक करती रहती है ना, क्योंकि अब पता सारे ज्यादा ब्लॉग कमेंट हर जगह कमेंट, लोग ज्यादातर पूछ भी यही रहे कि शादी आपकी कब है, कब है शादी, कब है शादी। तो अभी शादी नहीं, 5 साल शादी नहीं करूंगी, ठीक है 5 साल नहीं रहूंगा मैं दिसंबर में। तो गाइस ठीक है, अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक मत शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो सब्सक्राइब कर लो, हाँ कर लेना ठीक है। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।